सरसों फूली हुई खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद इस मेहमान नवाजी के लिए। मंदिर कहने के लिए 200 वर्ष पुराना है ये चित्रकारी, और ये काफी रेयर ये इस मंदिर की भूल भुलैया है। उस जमाने में इसको एक नमस्कार मेरी YouTube फैमिली, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं मुड़िया कुर्मियात, जो कि एक छोटा सा गांव है जो कि जिला सहजानपुर के बंडा विकास क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और उस गांव में बताते हैं एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जिस मंदिर में 52 दरवाजे हैं। और बताते हैं कि अगर आप उस मंदिर में जिस दरवाजे से प्रवेश करते हैं तो उस दरवाजे से निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसी भूल भुलैया है दरवाजों की कि आप जिस दरवाजे से प्रवेश करेंगे वापस उससे निकल नहीं पाएंगे। तो कैसा वो मंदिर है चल के वहाँ देखेंगे। अभी हम उस गांव से लगभग 2-3 किलोमीटर पीछे हैं, तो यहाँ पर मैंने देखा बहुत बढ़िया पीछे हरे भरे खेत हैं गेहूं के, उस सामने जो है सरसों फूली हुई खड़ी है, तो बड़ा अच्छा यहाँ पर लगा। तो हमने सोचा चलो यहाँ अपनी वीडियो का इंट्रो शूट कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं उस गाँव में कैसा वो मंदिर है और आपको पूरा वहाँ का क्या कैसा है सब कुछ दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो हमारे भैया दिलीप कुमार, इन्हीं की देख रेख में ये मंदिर है, तो सारी जिम्मेदारी इन्हीं के हाथों में है। तो इन्होंने बड़ा आग्रह किया कि चलो एक कप चाय पी ली जाए, तो इन्हीं के साथ आए हैं इनके घर पर। बहुत बहुत धन्यवाद इस मेहमान नवाजी के लिए। और इनका घर भी काफ़ी शानदार, देखिए फर्श से एकदम गांव देखते हुए बहुत अच्छा घर बना है, काफ़ी डेकोरेटेड आप देख सकते हैं, काफ़ी शानदार घर बना रखा है, बहुत अच्छा लग रहा है इनका घर। पीछे आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार घर है। तो भैया ने आग्रह किया चलिए हमारे साथ, तो आग्रह हम इनका मना नहीं कर पाए। तो अब भी जो है ज़मीन वगैरह काफ़ी होगी? हाँ ज़मीनें हैं हम लोगों की, तीर जैसे ऐसा है। अब 12 एकड़ के ऊपर तो गवर्नमेंट को आदेश है या ना? सही बात है, नाम है भाई हमारे पारिवारिक लोगों की ज़्यादा है, सबके नाम है। अच्छा, जो चूरा मणि और जो बुद्धसेन नाम के दो भाई थे, हाँ, तो वो तो उस टाइम पर राजा रहे होंगे बिल्कुल। हाँ, उनको तो कुछ इतिहास बूढ़े बाढ़ों के हिसाब से क्लियर तो ना हम कह सकते हैं, लेकिन जो थो कि यहाँ पर जिस हिसाब से उनको नाम पीछे से चलो आई रो है, तो बूढ़े बाढ़े ने यही बताओ कि जो उनके द्वारा बनो वो। और वैसे 2-4 पीढ़ी ऐसी गुजर गई तो वो उन्होंने इसको इतिहास पूर्ण तरीका से बता नहीं पाता ना, तो इसमें थनपड़े हैं कहीं। हाँ, यानी मंदिर कहने के लिए 200 वर्ष पुराना है, लेकिन है ज्यादा, है ज्यादा। हाँ, 500 वर्ष करीब, 400 वर्ष। हाँ, 500 वर्ष के लमसम होगा। तो इनके घर से भी देखिए मंदिर बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ से। तो सुबह सुबह आप यहाँ से उठते होंगे तो कितना बढ़िया सुंदर लगता होगा, कितना आंखों को सुकून आता होगा। काम भाई साहब हमें कर रहे हैं, सुबह को नहाना, फूल तोड़ के फिर वहाँ पर आरती करनी, और शाम को आप लोग आएंगे, अब थोड़ी देर के बाद हम जा ही रहे हैं, बस फिर आरती पूजा करनी। तो इसमें कोई पुजारी भी मतलब होंगे, रखे होंगे पुजारी इसके थे, लेकिन वो इस समय है ना यहाँ पर, उनके एक फोड़ा निकल आओ थो गले में, तो इस वजह से करीब 3 महीना भी गए हैं बिना आए रहे, तो हम लोग जो हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। और उसमें भी थोड़ो कारण जो है कि पुजारी अगर आप रखी हो तब कित तो मत दो 200 रुपया रोज तो रखी हो, सही बात, साल भरे में 72,000 रुपए ही हो, सही बात। तो 72,000 पुजारी का ना दे के हम लोग इसकी सेवा कर रहे हैं कि वो पैसा इसी माल लगी जाए, सही बात। थोड़ो जो आगे जो बनो है उस हिसाब से बनो रहा है, तो इसलिए जो है थोड़ो इसको चढ़ावा आउन लगी जब अच्छो पुजारी कर दी, फिर वो अपने देख रहे। हाँ, सही तो बढ़िया चीज है अगर यहाँ आउन लगी, लेकिन गवर्नमेंट के पास आवाज नहीं आई थी पहुंच पाई है जो कि यहाँ आई के ट्रस्ट और कुछ तो यहाँ देख के सही तो इसको जीर्ण उद्धार अगर हुई जाए तो और अच्छा रहा है। लेकिन तो मेरा आग्रह है सभी मेरे सब्सक्राइबर बंधुओं से जो भी वीडियो देख रहे हैं कि इन भाई साहब की बात को, इस वीडियो को इतना शेयर करें और सभी लोगों तक पहुंचाएं, जिससे ये बात हमारी सरकार के कानों तक, यहाँ के लोकल विधायक और सभी के कानों तक पहुंचे, और इस मंदिर के जीर्णोद्धार की ओर ध्यान दें, क्योंकि ऐसी जो प्राचीन धरोहर हैं इनको सजो कर रखेंगे तभी हमारा इतिहास सुरक्षित रहेगा और आने वाली पीढ़ी को पता लगेगा। तो हमारे इन भाई साहब की बात को सभी तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कितनी प्राचीन ककैया ईंट की जो है बाउंड्री है इसके चारों ओर, और ये कुआं है।
उस जमाने में इस कुएं का इस्तेमाल होता होगा आज से 200 वर्ष पूर्व नहाने धोने के लिए। अब तो हैंडपम्प लगा हुआ है और ये चारों ओर का ऐसा नज़ारा है, चारों ओर पुरानी खसी हुई इमारतें हैं, लेकिन जो मंदिर का मेन पार्ट है वो अब भी काफ़ी अच्छे ढंग से है। ये गेट है अंदर जाने का और यहाँ से देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। लगभग शाम के 3:30 बज गए हैं, हमें कुछ वही सो लगी रहो है। हाँ कि ज़्यादातर वह बात है उनने कई फोटो खिंचाऊन के हिसाब से आओ इधर खींचो उधर खींचो। सही कह रहे बाबा, पर्पस हमारा भी यही है कि फोटो खींचने आए। आप लोग यूट्यूब पर डाल रहे हो कि आप डलियो हमारे बात बाहर समय पहुंची, भक्त गण को ज्यादा आकर्षित हुई इसके लिए, अच्छी बात है। अंदर चल के देखते हैं। हाँ बाहर निकाल देंगे। तो इस मंदिर का निर्माण बताते हैं, दो सगे भाई थे चूरामणि और बुद्धसेन। क्यों भैया? हाँ चूरामणि और बुद्धसेन नाम के दो सगे भाई थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया था आज से लगभग कितने वर्ष पहले भाई साहब? अब भाई लगभग 200 या 250 वर्ष पहले। हाँ ऐसे ही लगभग कुछ वर्ष पहले ही इसका मतलब जो है जीर्णोद्धार कराया गया, इसकी पेंट वेंट कराई गई है। और इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं इस प्रकार की चर्जर अवस्था में इमारतें हैं। और इसमें इस तरीके के जो छोटे छोटे आपको गेट दिख रहे हैं, ये 52 दरवाजे हैं। तो जा बेल जो है जा चारों तरफ है, एक जैसी आपको ना मिली ही, अलग अलग फूल। ये चित्रकारी जो सामने बता रहे हैं ये बहुत अच्छे तरीके से की गई है और ये काफ़ी रेयर है, बहुत दुर्लभ है। और अंदर काफ़ी सुंदर तरीके से मंदिर को सजाया गया। भैया इसमें मंदिर में मतलब जो है मूर्ति किन देवी देवताओं की मूर्ति? राधा कृष्ण की। अच्छा मंदिर का जो मेन एंट्रेंस गेट था वो अभी ताला लगा हुआ था। यहाँ पर जो है किस महीने में मेला लगता है? अष्टमी जन्माष्टमी के दिन। जन्माष्टमी। हाँ जन्माष्टमी को यहाँ मेला लगता है, भैया बताते हैं 3 दिन तक यहाँ मेला लगता है। तो अभी तो यहाँ ज़्यादा भक्त लोग नहीं आते हैं, तो गेट पर ताला लगा हुआ था, तो भाई साहब से हमने रिक्वेस्ट करी तो इन्होंने आकर ताला खोला और हमें अंदर वीडियो बनाने की अनुमति दी। बड़ी बड़ी जगह तो घूमने सभी लोग जाते हैं, लेकिन हमारे भारत की जो प्राचीन ऐसी चीज़ें हैं, पहले इस मंदिर की आप हाइट देखिए, ये देखिए सामने, ये बिल्कुल वो हॉलीवुड की फिल्मों में नहीं दिखाते हैं वो किला, जो उसी टाइप से बिल्कुल इसकी बनावट है। और इसमें इस मंदिर की खासियत ये है कि इसमें इतने दरवाजे हैं कि आप जिस दरवाजे से प्रवेश करेंगे तो वापस उससे निकल नहीं पाएंगे। 52 दरवाजे हैं इसमें, 13 बुर्ज हैं टोटल, 13 बुर्ज इसमें बने हुए हैं। वाह इसका फर्श देखिए, काफ़ी बढ़िया तरीके से टाइल वगैरह लगाई हुई है। जय श्री राधे कृष्ण, बढ़िया तरीके से मंदिर को सजाया गया है। ये मंदिर का मेन गर्भगृह है, राधा कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है और ये हमारे लड्डू गोपाल सालिग्राम की मूर्ति रखी हुई है। और ये मंदिर का मेन गुंबद है, देखिए वो हो काफ़ी ऊंचा गुंबद है। और जो सबसे फेमस है यहाँ की तो वो है भूल भुलैया, ये ऐसी भूल भुलैया। अंधेरा है काफ़ी, लाइट जला लेते हैं। ये इस भूल भुलैया में आप जब जाएंगे तो आप जिस दरवाजे से आपने एंट्रेंस किया था वहाँ से आप निकल नहीं पाएंगे, आप भूल जाएंगे किस दरवाजे से घुसे थे। देखिए कैसा गुफा टाइप बनाया गया है और ऐसी जगहों को दिखाने में मुझे बहुत आनंद आता है। मेरे कुछ सब्सक्राइबर बंधु हैं वो कमेंट करते हैं कि आप बार बार मंदिर ही दिखाते रहते हैं, जो भी ऐसी यूनिक जगह होती है उनको मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो ये इस मंदिर की भूल भुलैया है, इसमें 52 टोटल दरवाजे हैं। तो आप किस दरवाजे से घुसे और किस दरवाजे से निकले आपको ये खुद पता नहीं रहेगा। और यहाँ पे ये घंटी लगी है, ये हमारे किस देवता की मूर्ति है समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल, मुझे क्षमा चाहूँगा फिलहाल। ये किसी अगर किसी को पता हो तो बताना किस देवी देवता की मूर्ति है। जो पुराने गेट हैं वो लगभग टूट चुके हैं और ऐसी ये पहले इसमें साधु संत महात्मा रहते होंगे, ये चारों तरफ मंदिर के ये खसी हुई कोठरियाँ हैं। और किसी ज़माने में जब ये नया नया बना होगा तो उस ज़माने में
ये हो सकता है स्नानागार हो या हो सकता है मे भी बाहर जाने का गेट हो। उस ज़माने में ये मंदिर काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप भाई साहब आपका, आपने हमें इस मंदिर में अंदर आने की आज्ञा दी भैया ना, और पूरा मंदिर हमें दिखाया और इसके इतिहास के बारे में बताया है। तो कैसा लगा ब्लॉग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही नई नई जगह और पुरानी पुरानी जगह देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।